नल मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। ये देखो यहाँ पर एक क्रॉस लाइन खेला खिलाड़ी मौजूद है, गेंद के ऊपर जाए फेंके तब तक, ये देखो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई गेंद में और यहाँ से दो रन चुराने में कामयाबी दोनों बल्लेबाजों को। तो ये दो रन मिलते हैं इस खिलाड़ी को, दो रन मिलते हैं टोटल टीम को, दो रनों से खाता खोला तो यहाँ पर दो रन मिलते हैं। तो स्ट्राइक पर बल्लेबाज आप देख रहे हैं विश्वजीत मात्रे, तो नो स्ट्रोकिंग की बल्लेबाज विशाल जीतेकर, मास्टर माइंड कप्तान जिसे कहा जाता है वही विशाल जीतेकर इस वक्त नो स्ट्रोकिंग के ऊपर बल्लेबाजी के लिए तैयार हो चुके हैं। तो यदि देखा जाए करावे क्रिकेट टीम में भी काफ़ी अहंकार खिलाड़ी मौजूद है, यदि देखे जाए इस वक्त गेंदबाजी के लिए तैयार हो चुके हैं। साई पाटिल इस बार क्रॉस लाइन खेला खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, तब तक गेंद जा रही है सनसनाती दनदनाती हुई जैसे कि मानो गोली निकली हो बंदूक से, गेंद जा रही है सीमा के बाहर चार रनों के लिए। तर महबूब उद्या गावदेवी क्रिकेट संघ उसरली खुर्द आणि रोडपाली असा सुद्धा सामना असणार आहे उद्या या स्पर्धेमध्ये। विचुंब्यांनी जसंही पहिली लढत बालाजी नागा विरुद्ध डेरवली बालाजी हा दुसरा सामना, गावदेवी उसरली खुर्द आणि रोडपाली आणि उद्याच्या रात्रीमध्ये चौथा सामना असणार आहे देवांश इलेवन चिंचपाडा विरुद्ध उस्मानचा, आपल्याला तळोजा संघ पाहायला मिळेल। वळूया मॅचकडे। तो जरूर सागर सर, कल के दिन में काफ़ी बड़े मुकाबले भी देखने मिल सकते हैं, लेकिन आज के दिन में भी काफ़ी रोमांचक बड़े मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। यदि देखा जाए पहली गेंद के ऊपर दो रन आए थे, उसके बाद देखा जाए शानदार स्वागत किया गेंदबाज का चौका दागकर बल्लेबाज विश्वजीत मात्रे इस वक्त मैदान के अंदर खेल रहे हैं। यदि देखा जाए रायगढ़ की टीम से खेलने वाले काफ़ी आक्रामक बल्लेबाज, ये देखो काफ़ी खूबसूरती के अंदाज से गेंद को फेंका था और यहाँ से बल्लेबाज को जगह पर खड़ा किया, गेंद इस वक्त काफ़ी अच्छी तरह से फेंकी थी गेंदबाज इस वक्त साई पाटिल। साई पाटिल का विचार करें कामोटे के मैदान के ऊपर क्या शानदार गेंदबाजी की थी इस गेंदबाज की ओर से, और इसी वक्त यहाँ पर भी उसी का अंदाज में गेंदबाजी करने को तैयार इस वक्त साई पाटिल। ये देखो गेंद को सीधे हाथों से स्टेयर किया, यहाँ पर खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, यह से गलती की थी और गलती का भुगतान, गेंद जा रही है सीमा रेखा पार चार रनों के लिए। उप सरपंच जितेंद्र भगत, टीम मैनेजर क्रिकेट संघाचा नितिन भगत अध्यक्ष त्याचा, गावदेवी क्रिकेट संघाचा। थैंक यू डीजे मास्टर। आज का दिन देखा जाए तो पहला दिन गावदेवी क्रिकेट क्लब आयोजित उसरली खुर्द सरपंच चषक नाइट टूर्नामेंट का आगाज विश्वास लक्ष्मीबाद भगत साहब के माध्यम से यहाँ पर आगाज किया गया नाइट टूर्नामेंट। आप देख रहे हैं छठा साल इस वक्त नए नए अलग अलग रंग क्रिकेट में लेकर आते हैं, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर देखा जाए क्रिकेट पट्टू लेकर आते हैं और क्रिकेट के खिलाड़ी देखा जाए पिछले साल प्रवीण तांबे जी सर को लेकर आए थे, लेकिन इस साल देखा जाए एक अनोखी अदा इस वक्त हमारे मंच के ऊपर प्रमुख उपस्थिति जरूर हुए थे। ये देखो स्वागत किया यहाँ पर गेंदबाज का, इट इज अ बिग हिट, यहाँ पे शानदार छक्का दागा बल्लेबाज ऑन ऑफ फायर विश्वजीत मात्रे। उतरली गावाचा महेंद्र पाटील, नाव गाजतय लय मोठ्याचा, संतोष होई रे सचिन भगत, मैत्र आहेत जीवा भावाचा। तो जरूर सचिन भगत, कौन भूलेगा सचिन भगत जी को, और ऐसे वक्त यहाँ पर देखा जाए बल्लेबाज काफ़ी अहंकार बल्लेबाजी कर रहे हैं, पावर प्ले की ओर में ऐसी शानदार बल्लेबाजी देखने को मिल रही है इस वक्त विश्वजीत मात्रे की ओर से। ये देखो खराब गेंद मिली उसका फायदा उठाया और अच्छी गेंद मिली उसका पूरी तरह से सम्मान देकर एक रन चुराने में कामयाबी भी मिली। इस वक्त देखा जाए बल्लेबाज विश्वजीत मात्रे इधर रन देखा जाए तो स्कोर कार्ड के ऊपर रन क्या देख रहे हैं आप, 17 रन के ऊपर बिना कोई विकेट के नुकसान पर। जहाँ डाल डाल पर सोन इसे ऐसे देखा जाएगा तो भारत देश यदि देखा जाए 8,392 यहाँ पर देखा जाए छठे नंबर के ऊपर प्रति देखा जाए तो श्रीमंत देश हमारा भारत देश छठे नंबर के ऊपर है। यदि देखा जाए यहाँ पर काफ़ी अहंकार बल्लेबाजी देखने को मिल रही है विश्वजीत मात्रे इस वक्त ऑन स्ट्राइक के ऊपर, यदि देखा जाए अंतिम गेंद के ऊपर एक सिंगल रन निकाले और स्ट्राइक अपने जगह रख दी है, कुल मिलाकर देखा जाए 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। यदि देखा जाए पहले दौर का चौथा मुकाबला चल रहा है, यहाँ से देखा जाएगी कौन सी टीम अपने जीत दर्ज करेगी।
तर नक्कीच कोणी शेकोटी पेटवली असेल तर ती विजवायची आहे, खेळाडूंना त्रास होतोय त्याचा। तर यावेळेस यहाँ से हल्के हाथों से स्टेट जरूर किया था, यहाँ से एक रन मिलेगा, एक रन से देखा जाए ऑन स्ट्राइक चेंज इस वक्त देखने को मिल रहा है। ऑन स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज विशाल जी तेकर, मास्टरमाइंड कप्तान जिसे कहा जाता है, तो जरूर वहां पे स्टार के बाजू में धन्यवाद धन्यवाद। तो यहां से देखा जाएगा, काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है। गेंदबाज हरदेव टांडेल इस वक्त गेंदबाजी का जिम्मा संभालने के लिए तैयार, ये देखो दिशा देने का काम किया था, खिलाड़ी मौजूद है। यहाँ पे अनोखे अदा पे फील्डिंग का नतीजा देखने को मिला खिलाड़ी की ओर से, लेकिन एक रन रोकने में कोई नहीं रोक सकता इस खिलाड़ी को, एक रन जरूर मिला, एक रन से बढ़ता हुआ टोटल स्कोर आप देख रहे हैं, स्कोर कार्ड के ऊपर जाकर पहुंचा है 19 रनों के ऊपर। यहाँ से देखा जाए दोनों टीमें काफी आक्रामक टीमें हैं, यहाँ से पनवेल की टीम में देखे जाए तो रायगढ़ में काफ़ी आक्रामक टीमें मानी जाती हैं, लेकिन यहाँ से विश्वजीत मात्रे को रोकना भी बेहद ज़रूरी है यदि आप इस मुकाबले में जीत हासिल करना चाहते हो तो। ये देखो हल्के हाथों से जरूर किया था, खिलाड़ी दौड़ते आए गेंद के ऊपर, गेंद पकड़े फेंके तब तक देखा जाए, यहाँ से एक रन मुकम्मल पूरा किया, इस एक रन से संतुष्ट माने दोनों बल्लेबाज, एक रन से क्यों न, लेकिन रनों की संख्या बढ़ाने की कोशिश दोनों बल्लेबाजों के माध्यम से हो रही है। कुल मिलाकर देखा जाए 5 ओवर का मुकाबला इस वक्त मैदान के अंदर चल रहा है, तो 5 ओवर के मुकाबले में कुल मिलाकर 55 या 60 रनों का टारगेट रखना बेहद जरूरी है। पिछला मुकाबला आपने देखा होगा, यदि देखा जाए का शानदार मुकाबला हुआ था, लेकिन यहाँ पर इन मौके के ऊपर बल्लेबाजों ने की हुई गलती, उस गलती का भुगतान यहाँ पर देखने को मिला था। तो इसी के तौर पर यहाँ पर कौन सी गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही है हरदेव तांडेल के बीच में, 3 गेंदें फेंकी, 3 गेंदों में कुल मिलाकर 3 रन किए इस खिलाड़ी ने, और यहाँ पर चौथा गेंद फेंका, चौथे गेंद के ऊपर भी एक सिंगल रन बटोरी। यदि देखा जाए काफ़ी अच्छी गेंदबाजी इस खिलाड़ी के माध्यम से हो रही है, और ऐसे गेंदबाजों को सामने बल्लेबाजी करते समय 2 हंकार खिलाड़ी है। यदि देखा जाए विश्वजीत मात्रे काफ़ी इनफॉर्म नजर आते हुए इस साल में 2016-2017 के में देखा जाए, काफ़ी मुकाबले में देखा जाए काफ़ी हार्ड हिटर बल्लेबाजी करते हैं, और यहाँ पर जो खराब गेंदें मिल रही है उसका फायदा उठाने की कोशिश, और जो अच्छे गेंदे डाल रहे हैं उसको सम्मान देकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं विश्वजीत मात्रे। ये देखो यहाँ पर क्लास दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है, यहाँ पर एक ही रन मिलेगा, एक रन से देखे जाए संतुष्ट माने दोनों बल्लेबाज, एक रन से बढ़ता हुआ टोटल स्कोर आप देखें, स्कोर कार्ड के ऊपर जाकर पहुंचा है 22 रनों के ऊपर। यदि देखा जाए पहले ओवर साई पाडे लेकर आए थे, उन्होंने कुल मिलाकर 17 रन खर्च किए थे, तो अभी देखा जाए हरदेव तांडेल काफी कामयाबी कमबैक किया हुआ इन्होंने देखने को मिल रहा है। यदि देखा जाए 5 गेंदों का मुकाबला किया, 5 गेंदों में सिर्फ 5 रन खर्च किए, लाजवाब गेंदबाजी का मुजहरा मैदान के अंदर पेश करते हुए हरदेव तांडेल। ये देखो क्या खूबसूरती के अंदाज से गेंद को फेंका था, यहाँ से बल्लेबाज विशाल जीतेकर को चकमकाया, और यहाँ पे सीधी गेंद विकेट कीपर की दस्तर में जाती हुई, शानदार गेंदबाजी का मुजहरा। यहाँ से देखा जाए 2 ओवर का मुकाबला खत्म हो चुका है, 2 ओवर के बाद टोटल रन से क्या आप देख रहे हैं 22 रनों के ऊपर बगैर कोई विकेट के नुकसान पर। ओवर टू डीजे। दो ओवर का मुकाबला खत्म हो चुका है, 2 ओवर के बाद आप देख रहे हैं स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या 22 रन। मैं लाजवाब कहना चाहूंगा, इस वक्त गेंदबाज की तारीफ भी करनी चाहिए, यदि देखा जाए उन्होंने 6 गेंदें फेंकी, 6 गेंदों में कुल मिलाकर देखा जाए सिर्फ 5 रन खर्च किए, शानदार गेंदबाजी, और यहाँ पर एक कमबैक और एक जोश निर्माण किया अपने खिलाड़ियों की ओर से। और देखा जाए नए गेंदबाज यहाँ पर विपुल भोईर को बुलाया गया है कप्तान ने, विपुल भोईर किस तरह गेंदबाजी करेंगे, 2 बल्लेबाज ओपनर जोड़ी अभी तक मैदान के अंदर डटे रहे हैं। यदि बल्लेबाजों को मालूम है जब तक हम मैदान के अंदर डटे रहेंगे और यहाँ पर जो खराब गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज मिलेंगे उनको पूरी तरह से देखा जाए तो अंपायर से गुजारिश होगी मुकाबले को स्पीड अप कीजिए 25 तो जरूर अंपायर से गुजारिश होगी मुकाबले को जैसे जैसे शुरुआत कीजिए। पहले से यहाँ पर देखा जाए देरी हो रही है, लेकिन यहाँ से देखा जाए फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है बार बार, दोनों कप्तान से गुजारिश हो रही है थोड़ा सा हमें साथ दीजिए। तो देखा जाए आने वाले वक्त यहाँ पर काफी, ये देखो गेंद को स्टेयर करना चाहते थे, खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन यहाँ से एक रन जरूर पूरा किया और उतनी अच्छी फील्डिंग देखने को मिल रही है। फील्डर इस वक्त मैदान के अंदर देखा जाए एक रन देखने को मिला, विपुल भोईर इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो चुके हैं। सॉरी शब्द देखा जाए तो सॉरी शब्द भी कितना अजब का और गजब का शब्द होता है,
अगर इंसान सॉरी कहे तो झगड़ा खत्म, अगर डॉक्टर सॉरी कहे तो इंसान खत्म। यदि यहाँ से देखा जाए अंपायर की भूमिका, और हमारे अंपायर आप देख रहे हैं, जय पवार सर मैम फ्रॉम कल्याण, और देखा जाए हेमंत कोहली सर चेंबूर, ऐसे दो अंपायर की भूमिका इस वक्त मैदान के अंदर निभाने की कोशिश इनके माध्यम से हो रही है। तो गेंदबाज जिस वक्त पहली गेंद यहाँ पर एक रन आने के बाद पूरी तरह से देखा जाए दूसरी गेंद के ऊपर एक शानदार डॉट गेंद निकाली, और ऐसे मौके के ऊपर यहाँ पर बल्लेबाजों को रोक कर रखा है। इसी तरह पर देखा जाए काफ़ी हंकार बल्लेबाज विश्वजीत मात्र काफ़ी हार्ड हिटर बल्लेबाज बन जाते हैं, और देखा जाए तो पूरी तरह से हर एक गेंदबाज को छक्का दिखाने के आसमान वही बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर शांत रखा गया है। हल्के हाथों से जरूर खेलता है, लेकिन यहाँ से एक रन स्टेयर किया, एक रन से बढ़ता, और टोटल स्कोर आप देख रहे हैं स्कोर कार्ड के ऊपर जाकर पहुँचा है 24 रनों के ऊपर। अभी तक देखे जाए तीसरा ओवर प्रगति पथ के ऊपर चल रहे, लेकिन गेंदबाज हम देख रहे हैं विपुल भोरी क्या शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। जिस तरह देखा जाए हरदेव टांडेल इस खिलाड़ी ने गेंदबाजी की थी, उसी के पैरों के ऊपर पैर रखते समय इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं विपुल भोईर मैदान के अंदर। तो सामने बल्लेबाजी करेंगे इस वक्त बल्लेबाज विश्वजीत मात्रे, इस वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग शॉट जरूर किया था खिलाड़ी लेकिन पहुंचे नहीं, लेकिन यहां से दो रन चुराने में कामयाबी मिली है। ये दो रन मिलते खिलाड़ी को, दो रन मिलते हैं दापोली क्रिकेट टीम को, तो दो रनों से बढ़ता हुआ टोटल स्कोर आप देख रहे हैं कुल मिलाकर देखा जाए 26 रनों के ऊपर। आज के दिन में देखा जाए पहले दौर का ये चौथा मुकाबला चलता हुआ दापोली बनाम करावे के बीच में ये मुकाबला, लेकिन कल के दिन में देखा जाए कल के दिन में भी आपको यहाँ से एक काफ़ी अच्छे मुकाबले देखने को मिल सकते हैं, कई खिलाड़ी कई सितारे देखने को मिल सकते हैं। कल के दिन में देखा जाए घरेलू मैदान के ऊपर उसरली खुर्द क्रिकेट टीम भी खेली जाएगी, और यहाँ पर देखो घुटने टेक तमाशा टेक, यहाँ पर गेंद जा रही है सी बार का पार, दंडनता हुआ छगा तवर विश्वजीत मात्र के बल्ले से तो यहाँ से देखा जाए अनोखी अदा से बल्लेबाजी देखने को मिली, विश्वजीत मात्रे के बल्ले से छक्का निकला, यहाँ से गेंदबाज थोड़ी वेरिएशन करेंगे। ये देखो एक्रॉस लाइन खेला, दो खिलाड़ी के बीच से गेंद निकलने की कोशिश थी, खिलाड़ी गेंद के ऊपर आए गेंद पकड़े फेंके, तब तक देखा जाए एक रन यहाँ पर आसानी से मुकम्मल पूरा किया गया, इस एक रन से बढ़ता और टोटल आप देख रहे हैं स्कोर कार्ड के ऊपर जाकर पहुंचा कुल मिलाकर 33 रनों के ऊपर। तो यहाँ से देखा जाए तीन ओवर का मुकाबला खत्म हो चुका है, तीन ओवर के मुकाबले के बाद 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं बिना कोई विकेट के नुकसान के ऊपर, इस वक्त दापोली क्रिकेट टीम मैदान के अंदर खेल रही है। तो यहां पर देखा जाए मैन ऑफ द सीरीज के लिए स्कूटी दिख रही है जो आपको जुपिटर गाड़ी टू व्हीलर बाइक टू व्हीलर स्कूटी इस वक्त आप देख रहे हैं, हर एक खिलाड़ी की नजर इस चमचमाती हुई गाड़ी के ऊपर जरूर लगी होगी, लेकिन यहाँ पर आने वाला वक्त बताएगा कौन से खिलाड़ी को इस चमचमाती हुई गाड़ी मिलेगी। लेकिन यहां से देखा जाए अभी भी चार दिनों का तीन दिनों का मुकाबला बाकी है, लेकिन आज के दिन में देखा जाए पहले दिन का मुकाबला, और यहाँ से बिग फाइट भी जरूर हो रही है करावे बनाम दापोली के बीच में। तो नई गेंदबाज इस वक्त भरोसा जताया कप्तान ने, तो नई गेंदबाज हम देख रहे हैं इस वक्त हरदेव टांडेल, फिर एक बार हरदेव टांडेल को बुलाया गया जिन्होंने क्या शानदार गेंदबाजी की थी। छह गेंदे फेंककर पांच रन देते हैं, उसी के ऊपर भरोसा जताया कप्तान ने पूरी तरह से, फिर एक बार हरदेव टांडेल किस तरह गेंदबाजी करेंगे अपने खुद के ओर से देखा जाए दूसरी ओवर और टीम के ओर से चौथी ओवर लेकर आए इस वक्त हरदेव टांडेल, तो सामने बल्लेबाजी करेंगे, काफ़ी अहंकार शिकारी कर रहे हैं इस वक्त ये बल्लेबाज को मालूम है, यदि देखा जाए मैदान के अंदर डटे रहना बेहद जरूरी है। यदि ये बल्लेबाज उमेश्वर ऐसे हैं यदि देखा जाए तो जब तक ये मैदान के अंदर रहते हैं तब तक यहाँ पर रनों का टारगेट बड़ा करने में काफी इनकी अहमियत रहती है। वही बल्लेबाज फुल टॉस से यहाँ पर गेंद जा रही है मिड विकेट के क्षेत्र में, खिलाड़ी मौजूद और बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा, पहला विकेट का पतन विश्वजीत मात्रे मैदान से बाहर। देखना रूपाची पोरगी माजा मामाची, देखना रूपाची पोरगी माजा मामाची, देखना रूपाची पोरगी माजा मामाची, लाइन मारते माजावर, लाइन मारते माजावर, तिला फिरवी न माझ्या गाडीवर, गाडीवर फिरवी न माझ्या गाडीवर। थँक्यू।
तो जरूर यहाँ से देखा जाए, काफी अच्छा कैच लपका। तो जरूर यहाँ से देखा जाएगा अगला मुकाबला, हम देखेंगे दूसरे दौर का पहला मुकाबला कामोटा बनाम मानकोल के बीच में। तो जरूर दोनों कप्तानों से गुजारिश होगी टॉस के लिए आना है मंच के ऊपर। तो यहाँ से गेंदबाज हम देख रहे हैं हरदीप टांडेल यहाँ पर आती है पहले गेंद के ऊपर, पहले सफलता देखने को मिली हरदीप टांडेल की गेंदबाजी, क्या लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिल रही है। ये देखो फिर एक बार से मिसअंडरस्टैंडिंग शॉट खेला, गेंदबाज खुद की गेंद के नीचे, ये गलती नहीं करेंगे और एक दूसरी मछली जल में, तू चल मैं आया ऐसी परिस्थिति मैदान के अंदर। थैंक यू डीजे। हर रोज गिर कर भी मुखमल खड़े हैं, हर रोज गिर कर भी मुखमल खड़े हैं, ये जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी कितने बड़े हैं, ये यहाँ पर अदा कर दिखा रहे हैं गेंदबाज। इस वक्त हरदेव तांडे ऑन हैट्रिक के कगार पर है, क्या हैट्रिक आज के दिन में पूरी कर पाएंगे ये बड़ा सवाल जरूर उठा है। लेकिन यहाँ से हैट्रिक करने वाले, ये यहाँ से हैट्रिक लेंगे तो यहाँ से पहले खिलाड़ी जरूर होंगे। यदि देखा जाए गेंदबाज तैयार, ये देखो हल्के हाथों से जरूर खेला, रन आउट का खतरा हो सकता था लेकिन यहाँ से एक रन जरूर पूरा किया, एक रन से क्यों ना रनों की संख्या बढ़ रही है, टोटल रन संख्या आप देख रहे हैं कुल मिलाकर देखा जाए 34 रनों के ऊपर। तो अभी ऑन स्ट्राइक के ऊपर नए आए हुए बल्लेबाज आप देख रहे हैं ऋषि भोईर, यदि देखा जाए काफी आक्रामक बल्लेबाज माने जाते हैं दापोली क्रिकेट टीम की ओर से। इसी बल्लेबाज की मैंने एक तरफा बल्लेबाजी देखी थी, यदि देखा जाए तुरबे के मैदान के ऊपर शानदार बल्लेबाजी की थी इस बल्लेबाज ने, सावला क्रिकेट टीम के सामने खेलते समय शानदार बल्लेबाजी की थी वही ऋषि भोईर इस वक्त मैदान के अंदर। ये देखो एक क्रॉस लाइन खेलना चाहते थे लेकिन कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, यहाँ पर सीधी गेंद जा रही है खुद गेंदबाज के फॉलो थ्रू में, शानदार फील्डिंग का नतीजा देखने को मिला इस वक्त हरदेव टांडेल के ओर से। तो यहाँ से देखा जाए और एक डॉट गेंद की समाप्ति, यदि देखा जाए उमेश सर चार गेंदें फेंकी, चार गेंदों में कुल मिलाकर एक रन खर्च किया है। तो पहले देखा जाए दूसरे उन्होंने पहले ओवर लेकर आए थे तो उनके ओवर से तब देखा जाए सिर्फ 5 रन खर्च किए थे, अभी देखा जाए अभी थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है गेंदबाजी में, वेरिएशन किया उन्होंने गेंदबाजी में और यहाँ से फिर एक बार डॉट गेंद समाप्ति देखने को मिल रही है। ये होता है वेरिएशन करना और ये क्रिकेट का खेल ही वैसा होता है सर, और उसी का अंदाज यहाँ पर लगा कर बैठे कप्तान ने भरोसा जताया और भरोसे के ऊपर खड़े उतर आने की कोशिश देखने को मिल रही है हरदेव टांडेल इस वक्त मैदान के अंदर। जरूर काफी आक्रामक बल्लेबाजों को यहाँ पर रोक कर रखने में कामयाबी मिली। ये देखो फिर हल्के हाथों से खेलने की कोशिश की थी लेकिन कहीं पर निकाय कहीं पर निशाना, सीधी गेंद विकेट कीपर की दसने में और एक शानदार डॉट गेंद की समाप्ति। कुल मिलाकर देखा जाए 4 ओवर का मुकाबला खत्म हो चुका है, टोटल रन संख्या वहीं पर रुकती हुई 34 रनों के ऊपर। डीजे वाजव गानी तुझे। तो जरूर यहाँ से काफी आक्रामक गेंदबाजी जरूर हुई थी, गेंदबाज हम देख रहे हैं हरदीप टांडेल लाजवाब गेंदबाजी की उन्होंने, अब तक देखा जाए दो ओवर उनके माध्यम से फेंके गए थे, दो ओवर में कुल मिलाकर देखा जाए सिर्फ 6 रन खर्च किए, 12 गेंदे फेंके और 6 रन खर्च किए, कुल मिलाकर देखा जाए 2 विकेट उन्होंने महत्वपूर्ण हासिल किए। लाजवाब गेंदबाजी कहना चाहूंगा, यहाँ पर कप्तान ने भरोसा जताया और यहाँ पर गेंदबाजी में वेरिएशन किया, कुल मिलाकर अच्छी गेंदबाजी उनके माध्यम से देखने को मिली और यहाँ पर तमाम क्रिकेट रसिकों का मन जीते हुए हरदीप टांडेल इस वक्त मैदान के अंदर। यदि देखा जाए यहाँ पर नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर हम देख रहे हैं, सुमित पाटिल
सुमित पाटिल यहाँ पर देखे जाए नए बल्लेबाज के तौर पर आ चुके हैं। सुमित पाटिल किस तरह बल्लेबाजी करेंगे यदि देखा जाए नए विश्वजीत मात्रे और विशाल जितेकर के जाने के बाद यहाँ पर पूरी तरह से दापोली क्रिकेट टीम लड़खड़ा रही है। मैं कहना चाहूंगा जब तक ऋषि बोहिर मैदान के अंदर है तब तक यहाँ पर छक्के और चौकों की आतिशबाजी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर देखो मिसअंडरस्टैंडिंग खेला, विकेट कीपर गेंद के नीचे जा रहे हैं और ये देखो यहाँ पर आसान सा कैच छोड़ा। यदि देखा जाए यहाँ पर पूरी तरीके से कैच नहीं मानो मैच छुड़ियो। क्रिकेट में कहावत कह जाते हैं पकड़ा जेलानी जिनका क्रिकेट से खेल, उसी के अंदाज में यहाँ पर कैच छोड़ी है। पूरी तरह से देखा जाए शोले पिक्चर के गब्बर भी ये कैच को लपक पाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस कैच को छोड़ा इस विकेट कीपर ने। पूरी तरह से देखा जाए टोटल रन संख्या एक से बढ़ती हुई, कुल मिलाकर देखे जाए दो से बढ़ता हुआ 36 रनों के ऊपर। यहाँ पर नए गेंदबाज हम देख रहे हैं अलंकर तांडेल, पहली गेंद फेंकी उन्होंने पहली गेंद के ऊपर, जरूर मौका दिया था यहाँ पर फील्डर ने साथ नहीं दिया, लेकिन यहाँ से दो रन मिले इस बल्लेबाजी करने वाली क्रिकेट टीम को। फिर एक बार से अलंकर तांडेल तैयार, ये देखो यहाँ पर दिशा दिया, इट इज अ बिग हिट, ये लगता हुआ तबेला शॉट। जरूर काफी अहंकार बल्लेबाजी देखने को मिली यहाँ पर, गेंदबाज का स्वागत किया अलंकर तांडेल का। यदि देखा जाए पहली गेंद के ऊपर दो रन आने के बाद यहाँ पर एक दन दना तो अच्छा का दाकर हौसले बुलंद कर दिए दापोली क्रिकेट टीम के लिए इस बल्लेबाज ने। सुमित पांडिल इस वक्त बल्लेबाजी के लिए तैयार हो चुके हैं, अंतिम हौसला गौर की गेंदबाजी में यहाँ पर जिस तरह के रन बनने चाहिए उस तरह की बल्लेबाजी आप देखने को मिल सकती है। यदि देखा जाए इसमें कतई संदेह नहीं है, फिर एक बार से गेंदबाज तैयार यहाँ पर दबाव में लाने के लिए, देखो यहाँ पर दिशा दिया, ये नहीं रोके भैया, ये इस वक्त जा रही है गेंद बैकवर्ड स्पेयर लेग के लिए ऊपर से एक दन दनता हुआ अच्छा का छह रनों के लिए। ले गई दिल मेरा मंजली, ले गई दिल मेरा मंजली, अजीब अजीब तो जरूर यहां पर इस छक्के के बदौलत रन संख्या बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर 48 रनों के ऊपर जाकर पहुंचे दापोली क्रिकेट टीम। यदि देखा जाए जिस तरह मैंने कहा था विश्वजीत मात्रे और विशाल जितेकर के जाने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी लड़खड़ा रही है, लेकिन उस पारी को लड़खड़ाते समय यहाँ पर देखा सोचा और उस सोच को बदलने के में कामयाबी मिली सुमित पाटिल जैसे बल्लेबाज को। तो जरूर अंपायर से गुजारिश होगी तो जरूर इस मुकाबले को ना रुकिए, बार बार यहाँ से मुकाबला जरूर शुरुआत कीजिए। तो इस वक्त बल्लेबाज ऑन अ फायर हो चुके हैं, बैक टू बैक दो गेंदों के ऊपर दो छक्का ऑन अ हैट्रिक के कगार के ऊपर, ये देखो अल्ट्रासन से जरूर खेला खिलाड़ी मौजूद है। गेंद पकड़े फेंके तब तक देखा जाए यहाँ से कुल मिलाकर दो रन आसानी से पूरे किए, दो रनों से बढ़ता आप देख रहे हैं टोटल स्कोर जाकर पहुंचा 50 रन पूरे हो चुके हैं दापोली क्रिकेट टीम के। तो यहाँ से 50 रन कुल मिलाकर देखा जाए अलंकर तांडेल गेंदबाजी करते समय यहाँ से कुल मिलाकर देखा जाए 16 रन खर्च किया अब तक, चार गेंदें फेंकी और 16 रन खर्च करने में कामयाबी मिली है। ये देखो फिर एक बार उसी के क्षेत्र में खेला, उस तरह देखा जाए खिलाड़ी मौजूद किया गेंदबाज ने और यहाँ से कुल मिलाकर देखा जाए फिर एक बार से एक रन चुराया और दूसरे के दौड़ना चाहते थे, बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा ऋषि भोईर मैदान से बाहर। तो जरूर मानकोली बनाम कामोटे के बीच में दूसरे दौर का पहला मुकाबला, दोनों कप्तान से गुजारिश होगी टॉस के लिए आइए मंच के ऊपर। तो यदि देखा जाए इनिंग खत्म होने से पहले आपको टॉस के लिए आना है, ये देखो स्वागत किया यहाँ से काफी हिट खेला है गेंद जा रही है मिड विकेट के ऊपर से दन देना था अच्छा का छह रन के लिए। कुतवाल तू ही, कुतवाल तू ही, डायरी थी
58 रनों का यहां पर टारगेट सेट किया है। 58 रनों का पीछा करते समय इस वक्त किस तरह बल्लेबाजी करेगी, तो जरूर मैं बुलाना चाहूंगा कामोटा क्रिकेट टीम के कप्तान और मानकोली क्रिकेट टीम के कप्तान से गुजारिश होगी। जरूर मानकोली क्रिकेट टीम के कप्तान आ चुके हैं, कामोटा क्रिकेट टीम के कप्तान से गुजारिश है, आप जल्द से जल्द आइए। तो जरूर टॉस के लिए हम देख रहे हैं हमारे अतिथि मान्यवर बीजी भोईर साहब के शुभातों से यहां पर दूसरे दौर का पहला मुकाबला का टॉस किया जाएगा। तो जरूर कामोटी क्रिकेट टीम के कप्तान बारके कामरे से गुजारिश होगी, जल्द से जल्द आइए टॉस के लिए। तो जरूर इसका अगला मुकाबला हम देखेंगे, दो सेकंड राउंड के मुकाबले, चार ओवर के मुकाबले खिलाए जाएंगे। तो यहां से देखा जाए तो जरूर यहां से देखा जाए कामोटी क्रिकेट टीम के कप्तान से गुजारिश हो रही है। तो आइए यहां पर टॉस के लिए दूसरे दौर का पहला मुकाबला मानकोली बनाम कामोटी के बीच में खेला जाएगा। मानकोली क्रिकेट टीम के कप्तान यहां पर आ चुके हैं, तो कामोटी क्रिकेट टीम के कप्तान से गुजारिश होगी। तो यहां से देखा जाए 57 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं, 58 रनों का टारगेट सेट किया है। इस वक्त देखा जाए दापोली क्रिकेट टीम में भी काफी अहंकार गेंदबाज मौजूद है। इन गेंदबाजों का सामना करने के लिए करावे क्रिकेट टीम के बल्लेबाज कौन से बल्लेबाजों के ऊपर कप्तान भरोसा जताएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहां से कुल मिलाकर देखा जाए, अब हमारे पास वक्त है, तब तक हम लौटेंगे हमारे डीजे मास्टर के ओर, ओवर टू डीजे। छत्रपति शिवराज गणेश आराध्य दैवत माझे, छत्रपति शिवराज गणेश आराध्य दैवत माझे, मित्रांनो आले किती आणि गेले किती उडून गेला सारा भरारा, मित्रांनो आले किती आणि गेले किती उडून गेला सारा भरारा, कधी संपला नाही आणि संपणार नाही माझ्या शिवरायांचा दरारा। अप्रतिम संगीत आपल्या माध्यमातून दर्शवलं जातं, आपल्या सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत। जिथे बघतोय 30 चेंडू आणि गरज आहे विजयाचं, लक्ष आहे 58 धावांचं, त्या 58 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानामध्ये सलामीची जोडी दाखल झाली खऱ्या अर्थानं। जयेश तांडेल आणि रुपेश भोईर सारखी जोडी मैदानामध्ये दाखल झाले। जिथे गरज आहे 30 चेंडू 58 धावांचा पल्ला पार करायचा आहे अशा वेळी मैदानामध्ये दाखल झाले जयेश तांडेल आणि रुपेश भुईर। तर नक्कीच निखिल, 2 मिनिटं मी तुला थांबवतो, आपण पाहतोय दुसऱ्या फेरीतला पहिला सामना, आपण पाहतोय कामोटा विपक्ष मानकोली या दोन संघादरम्यान। तर इथं नाणेफेक केली जाते बीजी भोईर साहेब यांच्या शुभ हस्ते दुसऱ्या फेरीतल्या पहिल्या सामन्याचा। तर नक्कीच कामोटा संघ इथं नाणेफेक जिंकल्या, तर आपण संवाद साधूया सुलक्षण साहेबांशी। तर नक्कीच सुलक्षण सर, आपण पाहिलं तुम्ही पहिला सामना अप्रतिम खेळ दाखवला आणि जिंकला, तर आता आपण पाहतोय तुमच्या विरुद्ध सामना, आपण पाहतोय मानकोली संघ तुमच्या समोर खेळत असताना तुमची काय रणनीती असणार आहे त्यांच्या विरुद्ध? सर्वप्रथम आता आमचा परेश सध्या 5-10 मिनिटं येणार आहे, त्याच्यामुळे आम्ही डिसिजन तुम्हाला 5 मिनिटं सांगूया। आणि रणनीती एवढी काय नाही, कारण आम्ही सातत्याने आता दीपेश माली हा एकदम भिवंडीमध्ये झाला एकदम फेमस आहे आणि भरपूर चांगला प्लेअर आहे, आणि आम्ही त्याच्यासोबत 1-2 वेळा खेळलेलो आहोत, आणि महत्त्वाचे म्हणजे आमचे संबंध भरपूर चांगले आहेत। आणि आम्ही तर आमचं तर रणनीती असणार आहे, पहिल्यांदा जर आम्ही क्षेत्रशिंग केलं तर आम्ही फारफार तर त्यांना 40 धावपर रोखण्या प्रयत्न असेल। तर नक्कीच तुमचा डिसिजन आपण पाळणार आहोत, परेश आल्याशिवाय तुम्ही डिसिजन घेणार नाही आहेत, तरी पण तुमच्या मनामध्ये काय असणार आहे, तुम्ही कुठला डिसिजन घेणार तुमच्या मनामध्ये, पण परेश आलं तुम्ही घेणारच आहात, तरी तुमच्या मनामध्ये काय असणार आहे? शक्यतो आम्ही फलंदाजी करू पहिल्यांदा। तर नक्कीच फलंदाजी करणार आहात, आपण पाहणार आहोत 4 षटकांचा सामना होईल, 4 षटकामध्ये तुम्ही मानकोली विपक्ष खेळत असताना किती धावांचा टार्गेट सेट करण्याचा प्रयत्न कराल? आम्ही शक्यतो 45+ करण्याचा प्रयत्न होणार, कारण काय वातावरण आहे, थंडी आहे, त्याच्यामुळं कसं आहे आता एवढे बॅटिंगला काही बॉल येईल याचं काही हे नाही, कारण जसं जसं वेळ होतो तसं तसं खेळपट्टी आपले रंग दाखवते, त्या अनुषंगाने आम्ही 45 ते 50 धावायचा प्रयत्न करणार। थँक्यू थँक्यू। आपण पाहतोय तुमच्या विरुद्ध कामोटी संघ खेळत असताना तुम्ही
पहिला सामना नक्कीच जिंकला तर दुसऱ्या सामन्यावर पाहतो बारक्या कांबळे दैवत मात्रेसारखे गोलंदाज त्यांच्यामध्ये आहेत तर नक्कीच गोलंदाजीचा भरणा असलेला हा कामोड संघ फलंदाजीचा भरणा असलेला हा कामोड संघ मात्र त्यांच्या विरुद्ध खेळत असताना तुमची रणनीती कशा प्रकारची असणार कामोडे संघ हा चांगला संघ आहे आम्ही चांगला खेळण्याचा प्रयत्न करू तर नक्कीच आपण पाहिला तर नक्कीच यावेळेस बघायला गेला तर पूर्णपणे कामोडा संघ हा एक पनवेल विभागामध्ये एक अप्रतिम खेळ दाखवत असतो त्यांच्यामध्ये पहिला अंडर 20 आणि अंडर 19 खेळाडूंमध्ये भरणा असलेला हा संघ पण बारक्या कांबळेच्या नेतृत्व खेळ घेतो आहे परंतु बारक्या कांबळे हा फलंदाज अप्रतिम फलंदाज आहे परंतु बारक्या कांबळे तुम्ही रोकाल काही याची शंका नाही आहे परंतु तुमच्या संघामध्ये अप्रतिम गोलंदाज आहेत पण तुम्ही त्या कोणत्या गोलंदाजावर जास्त प्रेशर द्यायचा प्रयत्न कराल सगळ्यांकडून जास्तच अपेक्षा आहे की सगळ्यावेळी चांगला खेळावं तर नक्कीच धन्यवाद आपण वळूया सामन्याकडे ओव्हर टू निखिल येस आपण वळूया मॅचकडे आपण बघतो या ठिकाणी पहिलं सत्र संपलं तब्बल 54 धावांचं टार्गेट सेट केलं या ठिकाणी दापोळ टीमला पहिल्या सत्रामध्ये खूप चांगली तर याच दरम्यान आमच्या स्पर्धेचे लाडके आयोजक संजय भगत आपण आमच्या मंचाशी संपर्क साधायचा संजय भगत यांना विनंती करेन आपण या आमच्या मंचाशी संपर्क साधा चांगला चेंडू नक्कीच चांगला फटका देखील एक्झिक्यूट केला मिड विकेट झोनमध्ये तुम्ही पाहताय इथे मात्र सिंगल आली आहे तर नक्कीच या सामन्याची सामन्याला एन्जॉय करत असणार आमचे मित्र तुरमाय गावचे रोशन हातमोडे यशस्वी आयोजक त्यांच्यासोबत वडोली गावचे विलास पाडील खास करून प्रतीक जितेकरला सपोर्ट करण्यासाठी या ठिकाणी आलेत त्यांचं देखील आम्ही स्वागत करू राईट मोर द विकेट यावेळेस मात्र खोलवर टप्प्यात चेंडू क्रिकेटचं ब्रह्मास्त्र यॉर्कर लेनचा चेंडू फेकला होता इथे मात्र शॉर्ट स्क्वेअर लेग क्षेत्राकडे हा चेंडू आला आहे सिंगल याने चेंडूमध्ये आपण पाहतोय ते म्हणजे करावे टीमसाठी तर नक्कीच आपण पाहतोय कोणगावचे सनी गातारे अजय गरत हे देखील सामन्याला एन्जॉय करत त्यांचं आम्ही स्वागत करतोय बरेचसे प्रेक्षक आपण पाहतोय वाढ थंडीचा प्रहर वाढत चालला आहे म्हणून मैदानात मात्र जी उभ आहे खेळाडूंच्या माध्यमातून आपण पाहतोय चांगले फटकेबाजी पाहायला मिळाली येथे या ठिकाणी उपस्थित झालेत त्यांचं आम्ही स्वागत करू लॉंगॉनच्या दरम्यान श्रेयस जितेकर चेंडू खाली होतो फलंदाज बाद होतोय मोनिश तांडेल बॅक टू द पॅवेलियन हॅलो ठीक तर आपण बरोबर या ठिकाणी 58 धावा करायच्या होत्या 5 षटकामध्ये आपण पाहतोय 11.60 सरासरी राखायची आणि पहिल्या षटकामध्ये तुम्ही पाहता 2 विकेट देखील प्राप्त केल्या दापोली संघाच्या गोलंदाजानं पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावरती लागली गेली ती म्हणजे 2-6 नौका फलंदा आपण पाहतो या ठिकाणी चौथ्या क्रमांकाचा आदेश तांडे हा खेळाडू पाहतो या ठिकाणी मैदानाकडे रवाना झाला अजूनही बरेचसे प्रेक्षक या सामन्याचा आनंद घेतात घर बसल्या त्यांचं आम्ही नक्कीच स्वागत करू त्यानंतर जे प्रेक्षक याची दिही याची डोळा हा क्रिकेटचा सोहळा पाहण्यासाठी या मैदानातून उपस्थित त्यांचं आम्ही स्वागत करू खऱ्या तर पाहिलं तर प्रत्येक मोठ्या स्पर्धेचं केंद्रबिंदू हे प्रेक्षक असतील पण जेवढी जास्त प्रेक्षकांची गर्दी तेव्हा प्रसिद्धी देखील तेवढ्याच चांगल्या पद्धतीनं स्पर्धेला मिळत्या गोलंदाज ऋषी होईल पहिला चेंडू यावेळेसमध्ये चांगला फटका लगावला होता मिड ऑफमध्ये झेल पकडला गेलाय फलंदाज बाजूतोय आणखीन एक हात्रा बसतोय करावे संघाला आपण पाहतोय तो म्हणजे रुपेश भोईरच्या स्वरूपात तुम्ही पाहू शकता टी व्ही स्क्रीनवरती खऱ्या तर हताश मनन निराश मानेन मात्र या ठिकाणी परत नसताना आपण पाहतोय फलंदाज करावे संघाचा आणि त्यानंतर मात्र या ठिकाणी पाहतो अलंकार तांडे हा खेळाडू मैदानाकडे रवाना होतोय मोठी धावसंख्या उभा राहायच्या बलाढ्य दापोली संघासमोर खेळत असताना मात्र चांगला संघर्ष करावा लागेल या इनिंग्समध्ये तुम्ही पाहताय आपल्या टीमसाठी करावे संघाच्या दोन्ही फलंदाजांना आदेश तांडेल आणि अलंकार तांडेल ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आहे गोलंदाजी मार्गवरती मात्र ऋषी भोईर आपण पाहतो या ठिकाणी खूप चांगली गोलंदाजी करतो थंडीचा प्रहर देखील वाढत चाललाय मॉशेसचं प्रमाण मात्र खेळपट्टी निर्माण होतं तुम्हाला पाहायला मिळेल पूर्णपणे गोलंदाजांना 7 मात्र चांगला बेनिफिट या सत्रामध्ये मिळेल तिथे मात्र शंका नसणार आहे पण एका बाजूने आपण पाहतोय नवी मुंबईमधला एक सर्वोत्कृष्ट खेळाडू अलंकार तांडेल चांगला फटका इनसाइड आउट डीपेक्षा कबरच्या वरून चेंडू ट्रॅव्हल करतोय 1 बाउन्स ओव्हर द रोप 4 धावेसाठी चौकार Oh
यसचा पण पाहतो की चांगला फटका आला. आपण पहिला फलंदाज अलंकार तांडेलच्या बॅटमधून चौकार येतोय. आपण पाहतो थोडंसं कानमंत्र देताना विशाल जितकर हा संघनायक आपल्या खेळाडूंना खूप चांगलं आपण पाहतो या ठिकाणी. गुलाबी थंडी तुम्हाला पाहायला मिळेल, थंडीचं प्रहर वाढत चाललंय. तरी देखील या सामन्याला एन्जॉय करत असताना बरेचसे प्रेक्षक. आणि नेक्स्ट मॅचसाठी आपण नक्कीच कामोटा आणि मानकोळी दोन्ही संघांना खूप साऱ्या शुभे देऊया. चार षटकांचा सामना असणार आहे. गोलंदाज ऋषिकेश भोईर यावेळेस अलंकार तांडेलसाठी. यावेळेस मात्र फुटबॉलचा अभाव पाहायला मिळाला. शॉर्ट ऑफ प्लेचा चेंडू होता, चेंडूमध्ये पेस जास्त होता, वेग जास्त होता आणि चेंडू आणि बॅटचा देखील या ठिकाणी संपर्क झालेला नाही आहे. आणखीन एक डॉट चेंडू आपण पाहतो या इनिंग्समधला गोलंदाजाच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल. ऋषी भोईर या गोलंदाजाच्या माध्यमातून राईट अम राऊंड द विकेट गोलंदाजी करतो. जबरदस्त कामगिरी आपण पाहिली आहे ऋषीच्या माध्यमातून. प्रत्येक मैदानात आपल्या टीमसाठी इथे देखील चांगला एफर्ट लावत असताना आपल्या टीमसाठी ऋषी भोईर. तर एका बाजूने आपण पाहतोय 58 धावांचा पल्ला गाठाय संघाची एकूण धावसंख्या धावकाती पाहायला मिळेल, ती म्हणजे 10 धावा. फुल्लरचा चेंडू, फुटवर्कचा अभाव, पदराने तर नाही या खेळाडूमध्ये. चेंडूची फेकी देखील आपण पाहतो या ठिकाणी केली गेली होती विश्वजित मात्रेच्या माध्यमातून. सिंगल डबलमध्ये कन्वर्ट देखील केलं गेलं. नक्कीच विकेट खूप महत्त्वाचं या इनिंग्समध्ये आपण पाहतो विश्वजित मात्रेच्या माध्यमातून. कारण धावसंख्या आपण पहिल्या 58 धावा करायच्या आणि जेव्हा कमी जास्त चेंडूमध्ये कमी धावांची गरज तेव्हा मात्र हा ओर्थ्रो खूप महागड राहतो. इथे मात्र धावा जास्त करायचं, विकेट खूप महत्त्वाचं असेल. तेव्हा दापोली टीमसाठी तो विकेट मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता विश्वजित मात्रेनं. मग इथे मात्र 2 धावा देखील आल्या, ते म्हणजे करावे टीमसाठी 12 धावा देखील धावफलकामध्ये लागताना पाहायला मिळाल्या. ज्यावेळेस टॉस जिंकला करावे संघानं तेव्हा हरदेव तांडेल या संघानं सांगलं होतं किमान 50 ते 55 धावसंख्येमध्ये आम्ही दापोली संघाला रुकू. आणि पहिल्या सत्रामध्ये आपण पहिल्या 57 धावा झाल्या त्या 58 धावा करण्यास सज्ज झाला. यावेळेस मध्ये टॅप केला चेंडूला, नक्कीच ऑफ ड्राईव्हचा फटका आपण पाहू शकाल. मिड ऑफमध्ये चेंडू होता. इथे मात्र आणखीन एक सिंगल येईल, ती म्हणजे करावे 11 करावे टीमसाठी या सिंगलने संघ जाऊन पोहोचतोय. तो म्हणजे 13 या धावसंख्येवरती. 3-13 ही धावसंख्या आपण पाहतोय. 3-13 ही अवस्था आपण पाहायला मिळेल या ठिकाणी करावे संघाची. इथून मात्र आपल्या संघासाठी चांगली कामगिरी अशी अपेक्षा असेल. आदेश अडिया अलंकार तांडेला दोन फंदाच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा हलक्या तर चेंडू खेळून काढलाय. स्वतःच्या फाऊलमध्ये चेंडू पकडतोय ऋषी भोईर. आणखीन एक सिंगल मिळेल, ती म्हणजे करावे टीमला या दोन षटकांच्या समाप्तीने. तुम्ही पाहता 2 षटकांचा वाजवी खेळ देखील संपलाय आणि संघाची एकूण धावसंख्या देखील धावफुलक्यावरती लागली गेली आहे, ती म्हणजे 3-14 58 धावा करायच्यात. आणि या ठिकाणी आपण पाहू शकल 14 धावा धावफुलक्यावरती लागल्या गेल्यात, म्हणजे 18 चेंडू 44 धाव्याची गरज असणार आहे. ती म्हणजे येणाऱ्या 3 षटकामध्ये आपण पाहतोय करावे संघाला 14.66 सरासरीनं मात्र इथून फलंदाजी करावी लागेल. क्रिकेटमध्ये अशक्यप्र आहे असं काही नाही आहे. किती मोठं तुमचं टार्गेट असो, किती मोठं आव्हान असो, प्रत्येक षटकामागची सरासरी जर तुम्हाला राखण्यामध्ये यश आलं तर नक्कीच तुम्ही नक्कीच एका चांगल्या टोटलकडे वाटचाल करून आपल्या संघाला विजय देखील संपादन करू देऊ शकता. परंतु ती सरासरी राखावी लागेल प्रत्येक षटकामध्ये. ज्या पद्धतीने आपण पाहिलं होतं ऑस्ट्रेलिया आणि साऊथ आफ्रिका आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कारकिर्दीचा सर्वोत्कृष्ट विजय संपादन केला होता. साऊथ आफ्रिका संघानं 436 धावांचा पाठलाग देखील केला होता ऑस्ट्रेलिया बलाढ्य ऑस्ट्रेलिया संघासमोर खेळत असताना. तिथे मात्र कॉन्फिडन्स लेवल जो होता आपण पाहिला साऊथ आफ्रिका संघाचा डलमळीत झालेला पाहायला मिळाला नव्हता. ज्या पद्धतीने फलंदाजी केली हर्षल गिब्सनं त्याने संपूर्ण संघाने दिलेलं कॉन्ट्रिब्युशन, प्रत्येक संघाचं प्रत्येक खेळाडूचं चांगलं कॉन्ट्रिब्युशन होतं. सामन्यामध्ये विजय संपादन देखील केला होता. पहिला चेंडू संदीप चव्हाण आपण या ठिकाणी गोलंदाजी मार्गवर येतो आहे. एक शैलीदार असा गोलंदाज आपण पाहतो दापोली संघाचा डावखुरी हाताचा अतिशय चांगली गोलंदाजी. चेंडूला बऱ्याच जास्त अंतरावधी स्विंग वळवण्याची ताकद या गोलंदाजामध्ये आपण पाहतो आहे. हा चेंडू फसवला गेला, नक्कीच बीट केलं फलंदाज आदेश तांडेलला. थोडंसं प्रेशर आपण पाहतो या ठिकाणी आदेश तांडेलवरती असेल. इथे मात्र नक्कीच आपण म्हणजे तिसऱ्या पंचांची देखील मागणी केली गेली आहे. मी विनंती करेन आमच्या आयोजकांना आपण लगेच मैदानात ताबा घ्यायचा. गोलंदाजाच्या शैलीवरती आक्षेप घेतला गेला तिसऱ्या पंचाच्या भूमिकेमध्ये आमच्या यस हेमंत भगत आपण जायचं आहे. सिनियर खेळाडू आपण पाहतो या ठिकाणी खऱ्या हाताने उसारली संघाचे प्रमुख खेळाडू आहेत. तर मी हेमंत भगत यांना विनंती करेन आपण जा मैदानात ताबा घ्या तिसऱ्या पंचाच्या भूमिकेमध्ये. तर मी हेमंत भगत यांना विनंती करेन आपण लवकर लवकर जायचा वेल खूप महत्त्वाचं आपल्यासाठी. स्वतः चांगले खेळाडू आपण पाहतो या ठिकाणी गावदेव उसरली संघाचे संघनायक आहेत आणि खूप चांगला अनुभव क्रिकेटचा. तर तिसऱ्या पंचाच्या भूमिकेमध्ये ते देखील मैदानात ताबा घेतील. हेमंत भगत यांना विनंती करा म्हणून लगेच जायचा मैदानात ताबा घ्यायचा. 2 चेंडू डॉट फेकले 44 धाबा करायच्या होत्या 18 चेंडूमध्ये. इथे मात्र येणारे 16 चेंडू आणि 44 धाब्याची गरज असणार आहे, ती म्हणजे करावे 11 करावे टीमला. आणि ज्या पद्धतीने चेंडू फेकले संदेश यांनी की संदीप चव्हाण या गोलंदाजाने पहिले 2 प्रेशर क्रिएट झाला आपण पाहतोय करावेट संघावरती. 16 चेंडू आणि 44 धाब्याची गरज असणार आहे.
गोलंदाजी शैलीवरती आक्षेप मनोवैज्ञानिक दबाव निर्माण करता प्रयत्न या ठिकाणी फलंदाजा माध्यमातून केला जातोय. आदेश तांडेल इथे मात्र मोठा फटका लगावा लागेल आपल्या टीमसाठी हे पाहावं लागेल. यावेळेस मात्र बॅटची एज लागली गेल्याने की शॉर्ट फर्स्ट स्लिपमध्ये हा चेंडू फील्ड केला जातो. शॉर्ट थर्डमॅन क्षेत्राकडे आपण पाहू शकाल हा चेंडू फील्ड केला गेला. एक दबाली आहे ती म्हणजे करावे इलेव्हन करावे टीमसाठी. एकाच वेळी मात्र संघ जाऊन पोहोचतो तो म्हणजे 3-15 या धावसंख्येवरती. म्हणजे येणारे 15 चेंडू 43 हवेची गरज असणार ती म्हणजे करावे संघाला अलंकार तांडेल आपल्या नावलौकिकाला साजेशी कामगिरी आपल्या टीमसाठी करेल का हा प्रश्न मात्र मैदानातील होती उपस्थित होताना पाहायला मिळेल. संदीप चव्हाण शफल झालेत. अलंकार तांडेल अक्रॉस लाईन खेळता प्रयत्न होता. मिस टाईम फटका तुम्ही पाहता मिड विकेट झोनमध्ये श्रेयस जितेकर चेंडू काढतो. चेंडू फेकी देखील बा अप्रतिम केली पायऱ्याला थ्रो करतो आपण पाहता या ठिकाणी श्रेयस जितेकर. आणि खऱ्या तर जेव्हा एक चिकी रन जेव्हा फलंदाज पूर्ण होतो तेव्हा मध्ये पॅरल थ्रो खूप महत्त्वाचा असतो. आणि तो थ्रो देखील आपण पाहता या ठिकाणी फेकला गेला श्रेयस जितेकरच्या माध्यमातून. चांगल्या पद्धतीने एफर्ट देखील लावला होता संदीप चव्हाणचा. हा चेंडू लोवर फुल टॉस होता. इथे मात्र पंचांकडे जोरदार अपील केली होती. आणखीन एक डॉट चेंडू प्रेशर दडपण या ठिकाणी निर्माण होत होताना पाहायला मिळतंय करावे इलेव्हन करावे टीमवरती. आदेश तांडेल आपण पाहतोय स्ट्राईकेंडकडे डॉट चेंडू खेळून काढतोय संदीप चव्हाण. अतिशय चांगली गोलंदाजी पुन्हा एकदा सफल झालेत. अक्रॉस लाईन घ्यायचा प्रयत्न होता बॅकअपमध्ये चांगला आपण पाहते बॅकवर्ड क्षेत्रामध्ये चांगला बॅकअप मिळालं सुमित पाडीलच्या माध्यमातून. आणि इथे मात्र 3 षटकांचा वाजवी खेळ संपतो आणि संघाची एकूण धावसंख्या धावफल कधी पाहायला मिळेल ती म्हणजे 3-16 म्हणजे येणारे 12 चेंडू 42 धावेची गरज असणार आहे ती म्हणजे या ठिकाणी करावे इलेव्हन करावे टीमला. तर ड्रिंक स्टॉली आपण लगेच मैदानाच्या आतमध्ये जायचं आहे. यस नाही नक्कीच तोपर्यंत आपण ऐकूया सुमधुर संगीत डीजे यांच्या माध्यमातून. डीजे नक्की श्रीकांत मात्र डीजे आमच्या ऑपरेटर नक्की सुमधुर गीतानं मात्र तमाम प्रेक्षक मने जिंकत असताना आमच्या ड्रिंक स्टॉली मॅन पहिली रात्र आहे अजून 4 रात्री पेंडिंग असतील. आणि आपण थंडीचा प्रहर देखील वाढला आहे गोड झोपेमध्ये आहेत त्यांचं देखील आम्ही स्वागत करू. तर यावेळेस ऋषी भोईर येतोय राईट राऊंड द विकेट. चांगला फटका आपण पाहतोय बॅकअप बॅकफुटला गेले चांगला फटका एक्झिक्यूट केला होता लॉंग अप आणि आडीपेक्षा कबरच्या मध्ये झेल पकडला गेलाय फलंदाज बाद होतोय. अलंकार तांडेल बाग तुझा पॅवेलियन ती म्हणजे करावे इलेव्हन करावे टीमला. एका दुसरा मोठा फटका आणि चांगल्या स्ट्राईकडे फलंदाजी करावं लागेल ठिकाणी संदीप मात्रे या नवक्या फलंदाजाला. आणि टेनिस क्रिकेटवर पाहिला शेवटच्या क्रमांकाचा येणारा खेळाडू देखील षटकार लागवण्याची ताकद लागतो क्षमता असणारा खेळाडू पण पाहिला. पण इथे मात्र चेंडू स्टेअर केला लॉंग ऑनच्या दरम्यान चेंडूला उचलणार फेकणार प्रशांत जितेकर तोपर्यंत सिंगल धाव मिळेल ती म्हणजे या ठिकाणी करावे इलेव्हन करावे टीमला. समीकरण देखील बदललं गेलं शेवटचे 9 चेंडू 40 धावीची गरज असणार ती म्हणजे करावे इलेव्हन करावे संघाला. सामना मात्र या ठिकाणी पूर्णपणे आपण पाहतो या ठिकाणी झुकताना दापोली संघाच्या माध्यमातून. परंतु सामन्यामध्ये कमबॅक करावा लागेल आदेश तांडेलला मोठा फटका लगवावा लागेल मोठ्या फटक्याची प्रतीक्षा केली असेल आपण पाहतो या इनिंग्समध्ये करायला करावे संघाच्या समर्थकांनी. आदेश या बॅटमधून खूप मोठी जबाबदारी होती आदेशकडून खूप सारी चांगली अपेक्षा होती
या ठिकाणी तुम्ही पाहताय करावे संघाला पण इथे मात्र पूर्णपणे सबसेल अपयशी ठरताना आदेश टांजिल हफ फलंदाज संदीप मात्र नॉन स्ट्राईक एंडकडे आहेत. ऋषी भोईर मात्र आणखीन एक चांगला स्पेल आता तो आपल्या टीमसाठी राईट फ्रॉम द विकेट. मोठा फटका होता या वेळेस मात्र फटका फसला गेलाय. लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑनच्या मधून प्रशांत जितेकर देखील या ठिकाणी थोडेसे आळशी पाहायला मिळाले, लेझी क्रिकेट पाहायला मिळाला, झेल सुटला गेला. परिस्थिती खऱ्या अर्थानं अनुकूल होती. आपण पाहतो एक दापोली संघाच्या माध्यमातून या झेलला एवढं महत्त्व दिलं जाणार नाही आहे. जर इथे कमी धाबा जर असत्या खऱ्या अर्थानं जिंकण्यासाठी करावे संघासाठी तर मात्र ही झेल खूप इम्पॉर्टंट ठरली असते. आपण पाहतो या सामन्यामध्ये टर्निंग पॉईंट कदाचित ठरलं असतं. ऋषी भोईरचा चेंडू संदीप मात्रेसाठी फुटबॉकचा अभाव. यस पंचांकडे अफील केली होती, अफीलमध्ये उत्साह जास्त होता, आत्मविश्वास कमी, आणखीन एक डॉट चेंडू या सामन्यामध्ये बंद मात्र कोणत्याही प्रकारची मजा राहिलेली नाही आहे. सहा चेंडू 39 सभेची गरज असणाऱ्या ती म्हणजे करावी 11 करावे टीमला शेवटच्या षटकामध्ये. तोपर्यंत ऐकूया सुमुद्र संगीत डीजे यांच्या माध्यमातून. मध्ये मजबूत पकड मिळवली आहे दापोली टीमनं, कारण समीकरण असेल 5 चेंडू 38 धाबांचं. तुम्ही पाहू शकाल या ठिकाणी चांगली कामगिरी होत असताना दापोली संघाच्या संपूर्ण खेळाडूंच्या माध्यमातून. हा चेंडू यष्ट्यांचा वेध घेतो. रोशन मात्रेचा बोट अवकाशाकडे, पंचाचा निर्णय येण्याआधी, कारण क्लीन बोल झालाय. नक्कीच फलंदाज बाद होतोय. संदीप मात्रे आणखीन एक हादरा बसतोय करावे टीमला. येस आपण पाहतोय खऱ्या तर फलंदाज देखील बाद झाले, परंतु एक आनंदाची गोष्ट असेल आपल्या रायगड मधला संगम खऱ्या तर पाहतोय ठिकाणी अनंत स्मृतीचषक वाकळणे या स्पर्धेमध्ये चॅम्पियन ठरला चिंचपाडा संघ. आपण पाहतो ठिकाणी खूप चांगली कामगिरी राहिली राहिली आहे देवान श्रीमान चिंचपाडा संघाच्या संपूर्ण शिरेदारांची, आणि तिथे देखील चॅम्पियन पदक पटकवलं आणि जल्लोष देखील साजरा केला होता. उमेश भोईर यांच्याकडून नुकतीच आम्हाला माहिती मिळाली आहे. सामना मात्र पराभवाच्या उंबरठ्यामध्ये आला आहे, पण इथे मात्र चांगलं एक दर्जेदार फटका आपण पाहिला, रिव्हर्सचा फटका आपण पाहिला. फलंदाज होते अजिंक्य तांडेल यांच्या बॅटमध्ये येणारा हा दणदणी षटकार. आपण मध्ये एवढ्या जलद गतीने आपला स्टान्स बदलला आणि चांगला फटका देखील डिलिव्हर केला अजिंक्य तांडेलनं. पुन्हा एकदा चांगला फटका, चपुराक दिली आहे. लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑनच्या मधून चेंडू ट्रॅव्हल करतो आहे. धावांमधलं खऱ्या अर्थानं पराभवामधलं अंतर कापतो या ठिकाणी अजिंक्य तांडेल हा फलंदाज. नेक्स्ट मॅचसाठी नक्कीच टॉप ऑर्डरला खेळण्याची संधी देखील या खेळाडूला मिळेल एवढी बहारदार खेळी करतो आपल्या टीमसाठी अजिंक्य तांडेल. रिव्हर्स स्वीपचा फटका असं म्हटलं तर लगेच आबाद नाही तो बरबाद. पहिल्यांदा सक्सेस मिळालं आणि या चेंडूमध्ये मात्र पुन्हा एकदा नक्कीच प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागली. गोलंदाजाला सक्सेस मिळाला, डॉट चेंडू फेकला जातोय. शेवटचा एक चेंडू 28 धाव्याची गरज. रोशन मात्रे यावेळेस मात्र मोठा फटका येतो लॉंग ऑनच्या दरम्यान. झेल खाली येतील प्रतीक जितेकर आमचे मित्र, नक्कीच त्यांनी देखील सुंदर झेल पकडली आहे. तर लाईनअप करून या मैदानाच्या बाहेर मी दापोली संघाच्या संघनायकाला विनंती करेन. आणि का मोठा टीम आपण टॉस जिंकलाय, आपण लगेच आपला जो काय निर्णय असेल आपण मैदानात ताबा घ्यायचा आमच्या आयोजकांकडून सूचना आली आहे. वेळेला खूप महत्त्व दिलं जाण्याची नोंद घ्या आपण. तर हरदेव तांडे तुमची संपूर्ण टीम आपण लाईनअप करून हस्तांतरण करायचं आमच्या दापोली संघाच्या संपूर्ण खेळाडूंना. तर वेल प्लेड दापोली टीम, तुम्हाला देखील शुभेच्छा असेल नेक्स्ट मॅचसाठी. आणि नंतर करावे 11 करावे संघाला देखील खूप साऱ्या शुभेच्छा असेल. तुम्ही टी व्ही स्क्रीनमध्ये पाहू शकता या ठिकाणी दोन्ही खेळाडू करावे टीमचे फटाक्यांच्या आतिषबाजीनं मध्ये या ठिकाणी स्वागत केलं जात आहे या संपूर्ण स्पर्धेचं. तर यस या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच कोण असेल? तर लाईनअप करा करावे संघ, आपण जा मैदानाच्या आतमध्ये. आणि त्यानंतर मी विनंती करेन का मोठा संघ आपला जो का निर्णय असेल आपण लगेच मैदानात ताबा घ्यायचा. टॉस आपल्या संघाच्या बाजूला लागलाय. मानकोली संघ आणि या कामोटा या दोन संघांदरम्यान हा सामना असेल. तर मॅन ऑफ द मॅच या सामन्याचा 7 चेंडू
नक्कीच आपण बघत आहे की आमच्याकडे निकाल पोहोचले या सामन्यात मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी कोण असेल. मॅन ऑफ द मॅचचे ट्रॉफीज आणि एक चांगली टी शर्ट. तर मानकुल टीम लाईनअप करायचं आहे. खूप महत्त्व दिलं जाईल शिस्तील. आपण देखील या डिसिप्लिनचं पालन करा. येस मानकुल संघ देखील 7 चेंडू आणि 24 मधल्या फळीमध्ये येऊन प्रत्येक वेळी आपल्या संघाला संकट मोचक म्हणून कामगिरी करून देणारा खेळाडू सुमित पाटील ठरतो या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी. 7 चेंडू 24 सुमित पाटील या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरतो आहे. तर येस आपण सन्माननीय प्रसादजी भगत साहेबांना विनंती करूया.